हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एच पी ओमेन 2019 और 2020 के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको एच पी ओमेन 2020 की फर्स्ट लुक देखने को मिल जाती है। लैपटॉप दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और एच पी ने इसकी डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं, जैसे कि इसका लोगो भी इसने चेंज किया है और इसकी हिंजिस वो भी इसने चेंज कर दी है। तो अब देखते हैं इसके हमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है 15T1000। ये लैपटॉप अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन USA में इसकी प्राइस है $900। तो इंडियन करेंसी के मुताबिक जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तब लैपटॉप की प्राइस 75,000 तक से स्टार्ट होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर हमें इंटेल का कोर i5-10300H 9 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 2.5 GHz से लेकर 4.5 GHz तक की। यहाँ पर हमें प्रोसेसर में 4 कोर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें 8GB का DDR4 RAM और 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके साथ 1TB का हार्ड डिस्क और 256GB का SSD भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर NVIDIA का GeForce GTX 1650 का 4GB DDR5 ग्राफिक कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर हमें 6 सेल की 17.9 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। अब लैपटॉप का वेट है 2.32 kg और लैपटॉप की जो लुक है वो एक प्रोफेशनल गेमिंग लैपटॉप वाली है। और यहाँ पर लैपटॉप में हमें फुल साइज 4 जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं HP Omen 2019 के बारे में। ये लैपटॉप मैंने ख़रीदा हुआ है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है 15DC1092TX। इसकी प्राइस मैंने जो ख़रीदा है इसकी प्राइस है 70,000 रुपीज़। ये इंडिया में अवेलेबल है और इसका प्रोसेसर है इंटेल का कोर i5-9300H और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है 2.4 GHz से लेकर 4.1 GHz की। इसमें भी हमें 4 कोर अवेलेबल है। अब रैम की बात करें तो यहाँ पर भी 8GB का DDR4 रैम हमें मिल जाता है। डिस्प्ले भी दोनों की सेम ही है, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। और यहाँ पर बात करें हार्ड डिस्क और SSD के बारे में, तो यहाँ पर हमें 1TB और 256GB का हार्ड डिस्क और SSD देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो ये भी सेम है। यहाँ पर भी हमें NVIDIA का GeForce GTX 1650 का 4GB DDR5 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर हमें 3 सेल की 52 वोल्ट की बैटरी दी गई है, जबकि 2020 में 6 सेल की 17.9 वोल्ट की बैटरी दी गई है। तो HP Omen 2019 में आपको 150 वोल्ट का चार्जर मिलेगा, जबकि 2020 में 200 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। अब दोनों का वेट भी सेम ही है, 2.32 kg। तो यहाँ पर दोनों में कीबोर्ड भी सेम है, फुल जोन 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर इसकी लुक है ये गेमिंग वाली है, जबकि 2020 में प्रोफेशनल लैपटॉप की डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है। अब दोनों के स्पेसिफिकेशंस को मैं कंपैरिजन के यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहूँगा। तो वीडियो को पॉज करके आप दोनों लैपटॉप के फीचर्स ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं आपको लैपटॉप के कुछ फोटोज दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लैपटॉप देखने में बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर यह है 2020, ये है 2020 की बैक साइड और ये बीच में है 2019। देखने में तो दोनों ही लैपटॉप बढ़िया है। तो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग डिज़ाइन के साथ एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आप 2019 की ओर जाएं, और अगर आपको प्रोफेशनल डिज़ाइन के साथ गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आप 2020 की ओर जाएं, क्योंकि 2020 में प्रोसेसर और बैटरी के साथ इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मैंने 17,000 रुपये देकर 2019 लैपटॉप ख़रीदा है, तो बस मैं इससे ज़्यादा अपने लैपटॉप की बुराई बर्दाश्त नहीं करूँगा। सॉरी, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
नो नो।